बहुत बढ़िया, अपना बताइए। नीलम जी बड़ा मुस्कुरा करूँ? हाँ, क्योंकि हम शूट पे हैं तो मुस्कुराएंगे नहीं, रोएंगे का? हम तो कुछ और सुन रहे थे, क्योंकि हमारा बॉयफ्रेंड मिल गया है फिर से। हाँ, बॉयफ्रेंड फिल्म के अंदर मिल गए हैं। नहीं, रियल वाला वही तो नहीं है? रियल वाला अब नहीं बताएंगे। छोटू जी, जी तो रियल वाला कोई मिल गया है आपको जो आपत्ति है? किन को? नीलू जी को। नहीं, मुझे क्या आपत्ति है, मुझे तो खुशी है। अच्छा। कि इनका रियो लोला तुम्हारा हीरोइन कोई दूसरा लेके जाइए, थोड़ा अच्छा लगा था। हमके कहीं अच्छा लगी ये फिल्म में, हमार हीरोइन सिर्फ हम ही अपना हीरोइन के लेके जा सकता नहीं। जी सही, अभी थोड़ा देर पहले कदरी के हमार मिल गिल रहा है। क्या मिल गिल रहा? राजा। तो हमको भी अपनी रानी मिल गई है। अच्छा जी, मतलब दोनों दो रास्ते में निकल गए हो? नहीं नहीं, इस फिल्म में एक ही रास्ते पे हैं हम लोग दोनों लोग। जी ऐसा तो नहीं है कि दोनों घर में झगड़ा कर लिए हो आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग दोनों लोग, देखिए झगड़ा जहाँ होता है वहाँ प्यार होता है, हम बता दे रहे हैं फिर से। बड़ा मजमा लगा, भीड़ लग रहा है, फिल्म शूटिंग करते हो जाए? अभी हमने के दुलरुआ फिल्म शूटिंग कर रहा बनी जा, जौन की एगो बहुत पारिवारिक फैमिली ड्रामा और थोड़ा सा अलग हट के, सब लोग बोलते हैं कि अलग हट के है, लेकिन ये रियल में एक पब्लिक के बीच मैसेज जाने वाला है कि ऐसा भी हो सकता है और होता था तो इसके बाद क्या होना चाहिए। बहुत ही अच्छी फिल्म। सही बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक पारिवारिक फिल्म है, हम लोग एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, अभी ये सब पति में हाँ में हाँ मिला लगलू। ये भगवान जी, हम लोग सेट पे है, शूट कर रहे हैं और फिल्म की स्टोरी की बात हो रही है। अच्छा, ऐसा बात है। हमें लगा कहीं वो ना पति जो हो, पति के बाद हर कोई सही हो या गलत हो। देखिए, पति का बात मानना पत्नी का कर्तव्य होता है, ये हर औरत को पता है। कर्तव्य वाला पति झूठ बोले तो पत्नी को नहीं, अगर नहीं, रियल लाइफ में। अच्छा, रियल लाइफ में पति सच बोल रहा है तो रियल लाइफ चल रहा है? नहीं नहीं, रियल लाइफ चल रहा है ना। और क्या होता छोटू जी? सब अच्छा ही बा, शूटिंग आज शूटिंग के दूसरा दिन बा, और फिल्म के राइटर बानी हमारे सत्य प्रकाश मिश्रा बैरागी जी, और हमारे अपोजिट बानी नीलू शंकर सिंह जी, श्रेया मिश्रा जी, कुणाल सिंह जी। जी ऐसा कॉन्सेप्ट है कि दो दो हीरोइन को संभालना पड़ता है, नहीं तो रियल लाइफ में तो एक ही को संभाल लिए समझिए कि 33 करोड़ देवी देवता को खुश कर दिए हैं। ठीक ठीक। और हमारे कुणाल सिंह जी हैं जो भोजपुरी के, अब उनके बारे में महानायक, ये हमारी सौभाग्य है कि उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और इस फिल्म के डायरेक्टर चंदन सिंह जी, और इस फिल्म में कोरियोग्राफर और एंड कॉमेडियन हमारे आदरणीय महेश आचार्य जी हैं, और हीरो जैक्सन जी हैं, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रमेश सिंह जी, और एक बहुत ही अच्छी फिल्म हम लोग बना रहे हैं और दर्शकों को खूब पसंद आएगी। क्या लगता है कितना दर्शक इसको पसंद कर सकते हैं? इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली ड्रामा तो मतलब ऑलरेडी अब तो आ ही रही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हट के है। फैमिली ड्रामा के साथ साथ एक अलग मैसेज आएगा पब्लिक के बीच में कि अगर स्क्रिप्ट तो नहीं बता सकते कहानी के बारे में। जी गाना भी हम गाते हैं। होली में अभी गाना गाए हैं एक दो थे, अभी शूटिंग में थोड़ा सा व्यस्त है, लेकिन एक दो दिन में उसका ऑडियो रिलीज हो जाएगा, वीडियो भी एक सप्ताह के अंदर उसका रिलीज हो जाएगा। पहला कौन गाना रहे जो होली में, तो पहला गाना आई रहे याद हो कोनो लाइन? हाँ, सबसे 2014 में एक ठो गाना हम गाए थे कि होली में लागल बाटे मरद के मेला, आयो सब के होली तोहर कोटी ना अकेला, कि कोई संचाही मरद बोला हाली हो, कि जैसन मरदा खोजब तू ओसन हम देवी सुन साली हो। और एक और उसमें गाना था जो हमारे घर परिवार में वो सब लोग औरतें गाती हैं कि जही अंगना बैठली साली सोनाली रघु नंदन हरी, कि तही अंगवा रंगवा डाले अरे जीजा होई छोटू रघु नंदन हरी। नीलू जी, तुझे आपको साली बना दिए साली मेहरारू तो बना लिया? नहीं, 2014 में जो गाना गाए थे। अच्छा,
उसमें हम अपनी साली से बोल रहे हैं ना, ये हमरे ऊपर। मान लीजिए रियल आदमी सालीगर बनना हो, साली क्यों बनेंगे? मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, तो साली बनने की कोई गुंजाइश नहीं। तो इंडस्ट्री की लड़की से शादी कर ली तो साली हो गई ना, मैं दूसरा कोई शादी करे उससे पहले तू शादी कर। ना भाई ना जीजा, सिर्फ दोस्त, राइट ना? एकदम राइट। छोटू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे सिनेमा लाइन में आपका आगमन हुआ? हम बक्सर के रहने वाले हैं, और मतलब ये फिल्म में जितना लोग नजर आ, सब बक्सर के बड़ा? नहीं, सब लोग बक्सर के। हाँ, मतलब राइटर, प्रोड्यूसर, हीरो, उसके बाद हमारे जो डांस मास्टर हैं, मतलब उधर ही के रहने, बक्सर के बगले में रहने वाले हैं, महेश आचार्य जी, कुणाल सिंह जी भी उधर ही के रहने वाले हैं। सब बिहार के लोग इसमें भरे पड़े हैं? हाँ नहीं, इधर के भी लोग हैं, बिहार यूपी से क्या, सब लोग भाई हैं और सबको मिल के अच्छा काम करना है, ऐसा कुछ बिहार यूपी से कुछ सबको मिला के एक अच्छा टीम बनी है हमारा। और हमारे डायरेक्टर सर भी हैं चंदन सिंह जी, वो भी हैं बक्सर साइड के। भोजपुरी में किस हीरो से आपका कंपटीशन है? मुझे अपने आप से कंपटीशन है, मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है, सब लोग मेरे आदर्श हैं, मैं सबको प्यार करता हूँ, मुझे हर रोज़ अच्छा काम करना है और फिल्म अच्छा अच्छा बनाना है ताकि दर्शकों को अच्छा लगे। गाने के लोगों कितना आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? अपने सभी दर्शकों को मैं छोटू पांडे प्रणाम करता हूँ, इस चैनल के जरिए जितने लोग हमको देख रहे हैं, और ये हमारी तीसरी फिल्म है दुलरुआ जिसका नाम है, आप लोग इस फिल्म को सबसे ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा और ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा। जय माता दी। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगी कि हम लोग एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आ रहे हैं इस फिल्म के जरिए, और एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा आप सबको। जैसे कि मैंने कहा, रिश्ते कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, इस फिल्म के ज़रिए आप सबको पता चल जाएगा। और फिर भी कहूंगी कि सब लोग, फिल्म तो आती रहेंगी लेकिन रियलिटी में आप सब अपने माता पिता से प्यार करते रहिए, रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बस इस फिल्म के ज़रिए बहुत ही अच्छा मैसेज है मेरे प्यारे दर्शक, लव यू ऑल। छोटू जी तो सिंगर हैं, ज़्यादातर होली के चादर के गाना है। एक तो हम देशभक्ति गाना गाए थे होली में, कि रखल देशवा के सान, धन धन देश के जवानवा, कि रखल देशवा के सान, धन धन देश के जवानवा। होली में मैं अगर शूट पे रहूंगी तो रंग वंग लेके रख लूंगी, यहीं बम्बई से ले जाने वाली हूँ शूट पे, तो वहीं अपने आप को रंग लगाऊंगी, खुद ही से खेल लूंगी होली, फिर नहावा के सेट पे चल जाऊंगी शूट करने। कौन सा फिल्म शूट करने जानी है आप? इसके बाद है मेरी अभी एक और फिल्म है आने वाली, बेबस फिल्म का नाम है, इनके डायरेक्टर है चुनमुन पंडित जी भी, राइट भी खुद किए हैं चुनमुन पंडित जी, और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, वो भी पारिवारिक है। मैंने कहा ना कि जिस एक्ट में मैं जीना चाहती हूँ, जिस लुक में मैं आज दिख रही हूँ आपको साड़ी के साथ एकदम इंडियन, और इसी को मैं जीना चाहती हूँ, सेम वहाँ पे मेरी ये लुक है। अभी बंजा तू मेरी रानी आने वाली है मेरी मूवी, और हंगामा भइल प्यार में, और उसके बाद ये फिल्म आएगी दुलरुआ। थैंक यू ऑल, लव यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप and never miss another update.